नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चनों का सेट तैयार किया है जो कि हमारे आने वाले सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेट हम लोगों ने तैयार किया है, उस सेट को आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? लुम्बिनी नामक स्थान पे मतलब इनका जन्म हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माँ की नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 25 वर्ष। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बताया है? अलार कलाम लिंगो को। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलमा लिंगो, उनसे किस टाइप की शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक। उरवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5 ब्राह्मण। बुद्ध के पांचों ब्राह्मण शिष्यों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। आधुनिक बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष तक की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम बुद्ध, गौतम गोत्र था। गौतम बुद्ध को किस राशि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। रात्रि राशि नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भाग में बटे थे? 2 भाग में। एक भिक्षुक टाइप के अनुयायी थे, एक उपासक थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह क्या कहलाया? बोधगया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के काल में। तृतीय बौद्ध संगति
कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। गौतम बुद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? काल्किक तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा कला। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण का। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। बौद्धों के सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन धर्म है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? वेदों के। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने वेदों के प्रमाण पर सवाल उठाते हुए वेदों के प्रामाणिकता को ही नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित दिया? मुगली पुत्र तिस्सा। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडल लवण कश्मीर में। ये था आज के इस वीडियो में। आप लोग, हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।